हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए क्लैश ऑफ क्लैंस के वीडियो में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप टाउन हॉल 9 अपग्रेड करने के बाद सबसे पहले कौन से ट्रूप्स लेबोरेटरी में अपग्रेड करने चाहिए। मैंने इस पर डिफेंसेस और अलग अलग बिल्डिंग्स का भी वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो अभी तक आपने नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप टाउन हॉल 9 अपग्रेड कर देते हैं, तो सबसे पहले आपको जो ट्रूप्स है उसमें आपको सबसे पहले जायंट को लेवल 6 पर अपग्रेड कर देना चाहिए, क्योंकि ये जायंट है उसके हिट पॉइंट ज़्यादा है। तो ये जायंट आपके ट्रूप्स के लिए टैंक करेगा और जो दूसरे ट्रूप्स है वो जल्दी से सारे रिसोर्सेस कलेक्ट कर देंगे और आपको लूट ज़्यादा मिलेगी। तो ये जायंट को अपग्रेड करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको अपग्रेड करनी चाहिए वो है गॉबलिन्स। गॉबलिन्स इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि गॉबलिन्स बहुत हेल्प करते हैं डार्क एलिक्सर फार्म करने में। अगर आप गॉब्लिन्स यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपने मेरा गॉब्लिन नाइफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो कि कैसी लूट आपको मिलती है। एक ही दिन में आप बहुत सारी लूट कलेक्ट कर सकते हो। डार्क एलिक्सर टाउन ऑनलाइन पे बहुत ही ज़रूरी है। दोनों हीरोज़ को लेवल 30 तक अपग्रेड करना होता है, तो इसीलिए आपको गॉब्लिन्स अपग्रेड कर लेने चाहिए लेवल 6 के लिए। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है आर्चर और बारबेरियन। मैं आपको इसीलिए सबसे पहले फार्मिंग ट्रूप्स ही बता रहा हूँ क्योंकि आपको पहले एक या 1.5 महीने तक आपको वॉर में नहीं रहना चाहिए। अगर आप वॉर में रहोगे तो आपके सामने जो प्लेयर आएगा उसका डिफेंस और ट्रूप्स अच्छे होंगे, और आपके पास वॉर ट्रूप्स नहीं होंगे तो आप 3-4 नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको वॉर में नहीं रहना है, आपके जो फार्मिंग ट्रूप्स है उन सभी को लेवल अप करना है। तो आप बारबेरियनों और आर्चर को लेवल अप करिए ताकि आप जो अटैक करेंगे बारबेरियन आर्चर जायंट और गॉब्लिन्स से वो आर्मी बहुत ही चीप होगी, यानी कि सस्ती आर्मी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लूट देगी। तो ऐसे आप लूट कलेक्ट कर सकते हो ये 4 ट्रूप्स की मदद से। तो आपको सबसे पहले वॉर ट्रूप्स नहीं अपग्रेड करने हैं, सबसे पहले आपको फार्मिंग ट्रूप्स अपग्रेड करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करना है। आप जितना जल्दी फार्मिंग करोगे उतना जल्दी आपको लूट मिलेगा, और ज़्यादा लूट मिलेगा तो आप जल्दी से टाउन ऑनलाइन मैक्स कर सकते हो। तो आपको ये फार्मिंग ट्रूप्स अपग्रेड करने के बाद आपको अपग्रेड करना है जो कि है विजार्ड। तो ये जो विजार्ड है वो विजार्ड आप नॉर्मल मल्टीप्लेयर बैटल में भी यूज़ कर सकते हैं, वॉर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको हेल्प करेगी, तो इसलिए आपको विजार्ड उसके बाद अपग्रेड करना है। विजार्ड के बाद अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको अगर एयर अटैक अच्छे लगते हैं तो आपको सबसे पहले एयर ट्रूप्स अपग्रेड करने चाहिए और आपको ग्राउंड ट्रूप अपग्रेड करने चाहिए। ग्राउंड ट्रूप में आप वल्केरी, गोलेम, हॉग्स इन सभी को अपग्रेड कर सकते हो। एयर के लिए आप लावा हाउंड, बलून्स को अपग्रेड कर सकते हो, मिनियंस को अपग्रेड कर सकते हो। आप टाउन ऑन 9 पे क्वीन वॉक का भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको क्वीन वॉक करना है तो आप हीलर्स को भी अपग्रेड करिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छा रहे। जो भी आपको अच्छा लगता है इस तरीके से आपको ट्रूप्स अपग्रेड करने हैं। उसके बाद स्पेल्स की बात करें तो स्पेल में अगर आपने टाउन हॉल 8 पे रेड स्पेल मैक्स हो जाती है वो अभी तक नहीं की है तो सबसे पहले आपको रेड स्पेल मैक्स करनी है। उसके बाद जंप स्पेल आपको अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जंप स्पेल अपग्रेड करेंगे तो आपकी जो 4 अर्थक्वेक बनाने में जितना डार्क जाएगा वो बच जाएगा। यानी कि अगर आप जंप स्पेल यूज़ करोगे तो 4 अर्थक्वेक स्पेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आपको जंप स्पेल अपग्रेड करनी चाहिए। उसके बाद आपको हीलिंग स्पेल करनी चाहिए और पॉइजन को भी अपग्रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि हाई लेवल की पॉइजन बहुत ही हेल्पफुल है, आपको वॉर में बहुत काम आएगी, मल्टीप्लेयर बैटल में भी आपको काम आएगी। तो आपको पॉइजन स्पेल भी अपग्रेड करना भूलना नहीं है।
तो आप पॉइजन स्पेल अपग्रेड भी कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप ट्रूप्स को अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लैश ऑफ क्लैंस के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर जाए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।